जोशीमठ जैसी आपदाओं का पहले मिलेगा अलर्ट। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा संयुक्त मिशन। जल्द लॉन्च होगा नासा इसरो का महाप्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत का इसरो लगातार अपने मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। भारत अपने आगामी मिशन गगनयान, चंद्रयान और सूर्य पर मिशन भेजने की तैयारी में लगा है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी नजरों से देख रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचाता रहता है। दुनिया के रंगमंच पर देश की शान बढ़ाने के लिए इसरो जी जान से लगा रहता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज भारत के साथ आगामी मिशन करने के लिए तैयार खड़ी हैं। खुद अमेरिका की पावरफुल एजेंसी नासा भी इसरो के साथ काम करने के लिए उतावली हो रही है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है। आज दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत से संपर्क करते हैं। भारत चीन की चुनौती को देखते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, और इसीलिए वो गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान के जरिए वो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है। हालांकि दोस्तों, भारत और नासा दोनों ने मिलकर एक मिशन पर काम किया है, और भारत की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह महाप्रोजेक्ट इसी साल लॉन्च होने के लिए तैयार है, और इसको लेकर आज एक बड़ा अपडेट आया है। इसरो नासा का बड़ा प्रोजेक्ट निसार तैयार। प्रोजेक्ट निसार करने वाला है भारत की बड़ी परेशानी को दूर। दोस्तों, इसरो और नासा मिलकर एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जो जोशीमठ जैसे घटनाओं के होने से पहले अलर्ट दे देगा। इस सैटेलाइट को बनाने में करीब 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं। अब बताया जा रहा है कि इस साल सितंबर में इस सैटेलाइट को GSLV MK2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का फायदा पूरी दुनिया को होगा, और सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। जोशीमठ जैसी जमीन धंसने की आपदाओं की जानकारी अब पहले मिलेगी, अलर्ट जारी हो जाएगा। खासतौर से हिमालय के इलाकों में आने वाले शहरों को लेकर सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की सूचना भी हमें पहले मिल जाएगी। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस साल सितंबर में एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सिर्फ किसी शहर के धंसने की घटना ही नहीं, ये सैटेलाइट पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। ये बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी समेत कई आपदाओं का अलर्ट देगा। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी देता रहेगा। यह सैटेलाइट 1 फरवरी 2023 को पासाडेना स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से भारत के लिए रवाना किया जाएगा। इस मौके पर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के रहने की भी उम्मीद है। इसरो चीफ ने कहा था कि पहले सैटेलाइट के पेलोड्स को जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी भेजा गया। इस समय अमेरिकी रडार सैटेलाइट में लगाया जा चुका है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा संयुक्त मिशन। GSLV MK2 रॉकेट से होगा लॉन्च। दरअसल निसार के लिए सैटेलाइट्स और उसके पेलोड्स की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत और अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन है। निसार में दो प्रकार के बैंड होंगे, L और S। ये दोनों भारत पर पेड़ पौधे की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी स्टडी करेंगे। S बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है, और L बैंड ट्रांसपोंडर को नासा ने। इसे GSLV MK2 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। इसका रडार इतना दमदार होगा कि ये 240 किलोमीटर तक की क्षेत्रफल की एकदम तस्वीरें ले सकेगा। ये धरती के एक स्थान की फोटो 12 दिनों के बाद फिर लेगा, क्योंकि इसे धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लगेंगे। इस दौरान ये धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैंपलिंग करते हुए तस्वीरें और आंकड़े वैज्ञानिकों को मुहैया कराता रहेगा। इस मिशन की लाइफ 5 साल मानी जा रही है। इस दौरान निसार, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, जंगल, खेती, गीली धरती, परमाफ्रॉस्ट, बर्फ का कम ज्यादा होना आदि विषयों की स्टडी करेगा। निसार सैटेलाइट में एक बड़ा मेन बेस होगा जिसमें कई इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, साथ ही कई टेलीस्कोप और रडार सिस्टम होगा। इसके अलावा इसमें से एक आर्म निकलेगा जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटों बाद खुलेगा, तो इसमें डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यही धरती पर होने वाली प्राकृतिक गतिविधियों की इमेजिंग करेगी। देश अब खुद के दम पर इस तकनीक में आगे बढ़ चुका है। इसके लिए किसी दूसरे देश की सहायता की जरूरत हमको नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसरो इसी तरह के धमाके करके दुनिया को हैरान करता रहता है। फिलहाल इसरो के पास दो बड़े मिशन चंद्रयान 3
ही और गगनयान है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों गगनयान मिशन जो कि पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला था इसे इस कोरोना वायरस के कारण थोड़ा स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब इसका निर्धारित समय 2023 रखा गया है। अगर भारत इस मिशन में सफलता प्राप्त करता है तो भारत वो चौथा देश हो जाएगा जो कि सफलतापूर्वक एक मानव द्वारा संचालित स्पेस फ्लाइट के द्वारा अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले वर्ष भारतीय मूल के एक या दो मानव अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारी गति नियम की तैयारी हो चुकी है, उससे पहले इस साल के अंत तक दो ट्रायल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा और दूसरे में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा, इसका नाम व्योममित्र रखा गया है। इन दोनों मिशंस के आधार पर तीसरे मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के पटल पर तेजी के साथ प्रगति करने वाला देश बन गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के साथ ही इसी साल यानी 2023 में गगनयान भेजने की तैयारी भी चल रही है।